बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। 6:45 हो रहे होंगे सुबह के। बहुत तेज़ बारिश आई हुई है। अभी फिर थोड़ी कम हो गई है, नहीं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सभी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आज बारिश टका के हो जाती है तो सभी खेतों में पानी डालना, सभी तो नहीं बट जिनकी पनीरी तैयार हो गई हुई है खेतों में पानी डालना शुरू कर देंगे। बारिश का इंतज़ार था लेकिन बारिश आहिस्ता आहिस्ता हल्की होती जा रही है। बाकी खैर, मौसम तो ठंडा हो गया। बाद चाय पी रहा हूँ मैं खुद ही। अभी मैं नीचे किचन में बना रहा था और दिल किया कि पीता हूँ क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो गया। ठंडी ठंडी हवा, बारिश तो खैर बंद ही हो गई है, हल्की हल्की इतनी इतनी सी हो रही है। जैसे शुरू हुई थी ना, अगर वैसे ही टका के शुरू रहती ना आधा आधा घंटा भी या घंटा एक, तो ये जो खेत खाली नज़र आ रहे हैं ना, इनमें पानी ही पानी होना था। खैर, बादल अभी गरज रहे हैं। ऐसा मौसम और एक कप चाय, आय हाय आय हाय। माशाल्लाह क्या चाय बनाई है मैंने। आया था मैं अपनी नॉर्मल रूटीन की तरह वीडियो अपलोड करने, लेकिन आज मेरे पास बाइक नहीं है। बाइक भाई दस्तर लेके गए हुए हैं टाउन, वो सुबह के गए हुए थे, फिर मैंने वीडियो अपलोड करनी थी तो मेरे पास बाइक नहीं थी। तो भाई बशर ने भी टाउन जाना था तो वो गाड़ी पे आए और उन्होंने मुझे इधर ड्रॉप किया और वो चला गया। उन्होंने मुझे कहा भी था कि टाउन चलो, मैंने कहा नहीं इधर ठीक है। तो इधर था मैं काफ़ी देर से। अभी मैं पैदल निकला हूँ। भाई मुकल्लफ को मैंने कॉल किया, उनको कहा कि अगर आप फ्री हैं तो मुझे गांव तक ज़रा ड्रॉप कर दें अगर आपके पास बाइक है तो। उन्होंने कहा कि हाँ बाइक है मेरे पास, तो मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। वो आते हैं, वो पीछे बैठा हुआ था, अभी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ वो साथ चल भी रहा था। हाँ जी हाँ जी, तो मैं यहाँ से कॉलेज से आ रहा था एक दिन, तो यहाँ पर एक बच्चा इधर खड़ा था और मैं अपने मौज में आया था। मेरे ख्वाब वहम व गुमान में भी नहीं था कैसा हो सकता है। बच्चा इधर से भागा उस तरफ और मैं अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ रहा था, 40 की होगी, लेकिन वो बच्चा जब एकदम से आगे आया ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है कि ये निकला कहाँ है। बच्चा कहाँ से निकला, दरख्त थे तो दरख्तों के बीच में से निकला और मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से ब्रेक लगाने की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बाइक स्लिप हो गई और ब्रेक वो बच्चे के सर पे लगी और बच्चा ऐसे घूमता हुआ जाके आगे। मैं डर गया, मैंने कहा मुझे जिस तरह लगी ना बच्चे के, मैं कहा प्रॉब्लम हो गई, मेरे टांगे कांप रही कि लो जी ये क्या हो गया। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था। खैर उधर से एक आदमी आ रहा था, उन्होंने देखा कि वो देख रहे थे कि क्या हुआ है, बाइक पे आ रहे थे इधर से ना पीछे से, वो देख रहे थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे आके कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, बच्चे का है, बच्चा इधर से भागता हुआ आया। तो खैर बच्चे को लगी नहीं, बच्चा ठीक था। फिर यहीं से अपने आप मैं घर को चला गया नॉर्मल हो के। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। जाना है जाना है पिंड चला, नहीं मैं भाई मुकल्लफ ना दौड़ जाना, कोई नहीं मेहरबानी सर, नहीं नहीं सर थैंक यू। मैं भाई मुकल्लफ भी आ गया, हमारे गांव का लड़का था लेकिन वो पेट्रोल पंप पे काम करता है तो उसने वहां तक जाना था। मुझे क्यों लगता कि मैंने आपको सोए हुए तो नहीं थे कहीं, वीडियो बना रहे थे। क्या हाल है, ये बहुत अच्छा लड़का है। चलो आगे बैठो। हाँ अपलोड हो गया। लाहौर जाना है, इधर तो देखो जाना लो। चलो फिर चाचू को कहो पीछे को करे बाइक, चलने लो वही है। अच्छा चलो जी भाई, मुकरम भी उन्हीं के साथ गए हुए हैं भाई, मदरसा लोगों के साथ। मैं ना खाना वगैरह खा के हो गया भाई, मौजम की वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। तो फिर भाई मौजम वेट कर रही,
पक्की बात है, यानी मैंने आपको डिस्टर्ब भी किया फिर? नहीं नहीं डिस्टर्ब कोई नहीं, वो वीडियो बन गई है, बस थोड़ा सा काम रह गया, वो मैंने करवाना है जाकर, बस पक्की बात है ना? पक्की बात है। तो ये फिर पानी पीते जाएं ठंडा। ठीक है सर, हम पानी पिए। मोहित ये पकड़ो बेटा पानी। ओके सर, थैंक यू सो मच। फिर भी बता दिया करें जब वीडियो अपलोड करनी हो। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं कमरे में आया हूँ, इधर साइड टेबल पे मिठाई पड़ी हुई है और एक समोसा पड़ा हुआ है। ये इतना इतना भाई मुदस्सर ने खाया है थोड़ी देर पहले। तो ये तैयब लेके आया था, वो मुझे बोल रहा था, मैं वीडियो अपलोड करने जाना था अभी मैंने, तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं गाँव जा रहा हूँ, बताएं मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो मैंने उसको मना कर दिया था कि कुछ नहीं लेके आना, लेकिन वो फिर भी मिठाई और समोसा लेके आया। ये जो समोसे का ऊपर वाला चौथा है, इसका मुझे नहीं मज़ा आता, मसाले वाले का मज़ा आता जिसमें आलू होते हैं। ये शॉपिंग की गई है आज, मतलब आज भी शॉपिंग, कल भी शॉपिंग ही की थी, वो नहीं मिले ना। फिर मेरी शर्ट ही आई है। शर्ट कहाँ से कहा थी? आपने नहीं शर्ट बोला। जब मेरा कुछ भी नहीं आया मतलब है, फिर ये कह रहे हैं आप? हाँ तो फिर मैं ये किसका है इतना कुछ? ये राणा साहब का, भाई जान का। ये भाई मुबशर का। साइड पे इतनी ज़्यादा इधर वो भिड़े हैं ना, जिनको हम तंबूड़ियाँ बोलते हैं। मेरे एक दोस्त को भी डंग मारा हुआ है इसने कल का। और इधर तो हर इसमें रहती हैं ये जो पंखे जिधर लगने हैं ना उधर, या जिधर बल्ब लगने हैं उधर, इन्होंने घर बनाए हुए हैं, यानी पूरा कब्जा किया हुआ इन्होंने घर पे फिलहाल। और वाईफाई बहुत कमाल की चल रही है। आज फिर से अंकल आए थे, दोपहर का टाइम होगा, वो आए थे, उन्होंने सबसे पहले आके देखा कि वाईफाई चल रही है। हाँ जी चल रही है। फिर वो बता रहे थे कि कल की एक्सचेंज इधर से होके ज़रूर जाना है, बता रहे थे एक्सचेंज में कोई मसला था, वो सेट कर दिया गया, कल आए थे सेट करने के लिए एक्सचेंज। यार मुझे लग रहा है कि इसने डंग मारना मुझे। हमारे मिस्त्रियों ने काम, हमारे मिस्त्री साहिब भाई मुस्तफ़ा ने काम करना शुरू कर दिया, और अबू बकर भी काम पे लगा हुआ है इस वक्त फ़िलहाल। सबसे पहले किचन का काम किया जा रहा है मुस्तफ़ा भाई। वाह बड़ी स्पीड है आपकी यार। आगे मैं इधर था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 5-6 ईंटें होंगी पड़ी हुई, वो भी उधर लगा रहे थे भाई मुस्तफ़ा। अभी तो सब कुछ सेट भी कर दिया हुआ है। आपके सिंक की दे रहे हैं बस। सिंक की वो सिंक इन भाई मुस्तफ़ा को पेमाइश चाहिए ना, इन्होंने इधर रखना है ना सिंक। यहाँ पे आपका चूल्हा है, वहाँ पे इधर चूल्हा होगा, उधर सिंक होगा और उधर ओवन वगैरह रखेंगे, और इधर चेयर वगैरह होंगी, आप एक दो रख सकते हैं, और इधर आगे टेबल ही एक किस्म का बना होगा, डाइनिंग टेबल ही बना होगा। तो इधर चेयर कितनी आएंगी? एक दो तीन, दो आ जाएंगी इजीली, तीन आ सकती हैं। तो इधर तीन चेयर रख के इधर खाना वगैरह खाया जा सकता है। पहले इधर दीवार थी, फिर आज ही तोड़ दी है मुस्तफ़ा भाई ने, और मैं पूछ रहा था कि क्यों तोड़ी है, फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ऐसा होगा, जो कि सुन के मैं बहुत खुश हुआ। मुस्तफ़ा भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे कि इधर ऐसे बैठेंगे, इधर ऐसे खाएंगे आप खाना। फिलहाल तो सुन के ही मैं खुश हो रहा हूँ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में खा के भी खुश होंगे। कल बड़ा घूमे हैं पत्थर के लिए, और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो पत्थर हमने वो उधर मैंने बताया था कि ये सिलेक्ट कर लिया लास्ट वीडियो में। अभी मैं अगर बोलूँ ना कि 100% मैं श्योर हूँ कि वो ही आएगा, तो मैं नहीं हूँ। हाँ। ना तो हमने पेमेंट किया, बस अभी सिलेक्ट किया है। मुस्तफ़ा भाई ने वो पीछे अपनी बाइक कवर करके रख दी हुई है, अभी ये तभी निकलेगी जब भाई मुस्तफ़ा अपने घर के लिए वापस निकलेंगे। अच्छा मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर निकले। थैंक यू सर। बाकी उस दिन बहुत मज़ा आया था चला के। बाइक पे चलें देखते हैं करते हैं कुछ।
हाँ कर लें, जुगाड़ लगा लें, चलेंगे रेडी ना, इसको फुल कर लें। ठीक हो गया जी। मैंने वाईफाई की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी है, वाईफाई बंद हो गई है। यार ये पता नहीं क्या मसला है यार। ए वाला नहीं मिला, मैं चाहना इंजन छोड़ के यार फड़ो सारे। ओहो यार मर्च तेज होनी है, मैं मर्च बगैर कोई नहीं। तोलो सर। अच्छा जी बात नहीं है। हेलो सर पहले खा लो। अरे बाबा ये तुमने क्या किया है? हमने हम छली लेके आए। ओ तुम्हारा भलो। अब वकर तो दो खानी है। नहीं बस एक। नहीं तो दो खानी है। एक ठीक है। मैंने तो आपने दो खानी है। एक मिनट देता हूँ। ये जी टिड्डी, ये बहुत बड़ी है नॉर्मल टिड्डियों से। अब मेरे कमरे के बाहर पड़ी हुई, मैंने अभी अभी बस देखी है ये। पता नहीं इसकी जान निकल रही है, क्या हो रहा है इसको। काम तो ऐसे ही रही है कि जैसे जान निकल रही है इसकी। वीडियो कल मैंने बना ली थी लेकिन अपना आउटरो नहीं डाला था, और मैं वीडियो ऐसे एडिट करता हूँ जी। अभी खैर तकिया नहीं है मेरे नीचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।